Hello, handsome little boy. Out, come, come. I am not little boy. Now I am also young boy. Sure. You're a young man instead. वो असल में हम आपसे ये पूछना चाहते थे कि आपके फोन में क्या वो एप्लीकेशन है जिससे गाड़ी रिक्शा और मोटरबाइक बुलवाई जाती है? गाड़ी रिक्शा और मोटरसाइकिल आपने एक साथ मंगा के क्या करना है? वो एब्सोल्युटली नॉट, बट हम तो ये चाह रहे हैं कि आप जरा गाड़ी की एक राइड बुक करवा दीजिए हमारे लिए। लोकेशन बताए दादी। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट? वो असल में एयरपोर्ट के पास एक कॉलोनी है, वहाँ जाएंगे हम। कॉलोनी का नाम ड्रॉप ऑफ में डालना है। नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, चलो हम रिक्शा ले लेते हैं बाहर से है। तो दादी रिक्शा लेके कैसे जाएंगे जब आपको नाम नहीं याद? सीढ़ियों में याद आ जाएगा। सीढ़ियों में याद आ जाएगा? सीढ़ियों का याददाश्त से क्या ताल्लुक है दादी? गुड बाय यंग मैन, लुक आफ्टर योरसेल्फ वेरी वेल। दादी ये अचानक नहीं आ गई आपकी सहेली? बताया तो है कि अपने रिश्तेदारों की शादी पे आई हुई है लाहौर। तो जरा रुक जाती तो निमो भाभी और शाकिर पैन बस आने ही वाले हैं, ताशी के ससुराल से उनको मिलके चली जाती। हाँ, तो बेटा उन्होंने कौन सा आके हमारे गले में फूलों के हार डाल के हमें रुखसत करना है, बस चलते हैं अब है। हाँ, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, मामा जी जरूर बुरा मान जाएंगे। वो तो ऑलरेडी बुरा मनाए बैठे हैं, अब क्या हम उनकी प्राइवेसी में मुखर हों? तो चलते हैं बेटा, कोई बात नहीं, दो तीन दिन में आ जाएंगे बैठे। खाला जी बात सुनिए, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? रुके, मैं ताशी को बुलाती हूँ, आपको बस अड्डे तक छोड़ा गया। बेटा कह रहे क्यों क्यों तुम बच्चे को ऐसे खाम खाम में तुम तकलीफ दे रही हो? बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा है? बस खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इसे बैग तो छोटा सा ही लेके जा रही है, इतने जल्दी वापस आ जाए। इतनी सेल्फिश दादी ना परी ने आज तक नहीं देखी। अच्छा देख ली ना, गुड, यू फाइनली गॉट टू नो। अब हमें ये बताओ कि वो तुम्हारे नाना अब्बा हैं कागजी लायन, वो अपने गार से निकले या नहीं? हाँ वो तो निकल गए हैं। क्या दादी मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर मेरी जान? योर दादी इज अलाइव। दादी उसी बात का खौफ जिसकी वजह से मैं अपनी खुशी को ना ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही। अरे जान डरते नहीं ऐसे, बी कॉन्फिडेंट। अभी हम वापस आते हैं तो तुम्हारे पोनी वाले अंकल से बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस दादी जल्दी आ जाना, ऐसा लग रहा कि पूरी दुनिया में ना परी बिल्कुल अकेली है। फोन वापस करो। किस बात का खौफ है तुम्हें? किसी बात का भी नहीं है, वो दादी को ऐसे ही तंग करने के लिए डायलॉग बोल रही थी। फोन दो, पहले कान पकड़ो दोनों, फिर मुझसे कहो कि माफी चाहती है। मैंने क्या किया अब? तो तुमने ये क्यों कहा कि भरी दुनिया में जैसे अकेली रह गई हो तुम? मैं मर गया हूं? अल्लाह ना करे तुम क्यों मरोगे? अभी अभी तो मरा हूं तुम्हारी सदा पे। तुम रो रही हो परी? ओ ये क्या पकड़न पकड़ाई चल रही है? नहीं पकड़न पकड़ाई नहीं, छुपन छुपाई। फिटे मुंह मतलब तो एक ही हुआ ना, ये नहीं कि आके मेरी मदद करा दो, दफा हो गया उधर। मैंने फैसला कर लिया है फारो, अब कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। सॉरी सॉरी। मुबारक हो स्क्रैच आ गए। मोबाइल पे बड़ा स्क्रैच नजर आ गया, कुछ दिल पे भी तो झांके। ओह सो सैड, आई एम रियली सॉरी मामू, अभी आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो भी परेशान है।